अब आपके लिए एक अहम खबर। देश भर के एक्सप्रेस वे पर सफर अब महंगा हो सकता है। अगर आप वाहन चलाते हैं और आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो कुछ टोल प्लाजा पर आपको थोड़ा ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। लोगों को महंगाई का एक झटका जरूर लगा है, जो खासकर चार पहिया वाहन चलाते हैं यानी कि कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको जरूर झटका लगा होगा। हालांकि कहीं टोल प्लाजा पर रेट बढ़े हैं, कहीं टोल प्लाजा पर रेट नहीं बढ़े हैं, और ये अलग अलग तरीके से दरें बढ़ी हैं, एक जैसी दरें नहीं बढ़ी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये दरें बढ़ा दी हैं, और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ये दरें बढ़ी हैं। हरियाणा के किस टोल प्लाजा पर किस तरह से दरें बढ़ाई गई है टोल की, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, और सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप रेड्डू पानीपत से, क्योंकि पानीपत में भी टोल प्लाजा है और पानीपत टोल प्लाजा से हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। तो प्रदीप बताइए दर्शकों को कि क्या पानीपत टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में इजाफा हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है? ना चाहूंगा कि पानीपत में वैसे तो चारों तरफ टोल है, इस वक्त हम मेन टोल प्लाजा पर जिट रोड पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम टोल बढ़ने की बात करें तो जो सफर है वो पानीपत से रोहतक हाईवे पर बढ़ चुका है, जो डहार के पास है वहां से अगर आप गुजरते हैं तो आपको टोल दर महंगी पहले से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। यानी अगर आपके पास छोटा व्हीकल है तो 10 रुपए के करीब आपका एक तरफ का आपका टोल बढ़ा दिया गया है। अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है, छह टायरी है, तो उसमें आपकी किलोमीटर के हिसाब से आपके टोल वसूल लिया जाएगा। तो राहत की बात अभी तक ये है कि सिर्फ रोहतक हाईवे पर टोल में बढ़ोतरी की गई है, वो भी रात 12 बजे से। फिलहाल अगर आप इस हाईवे से गुजरते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ तो ये पानीपत टोल प्लाजा पर भी दरें नहीं बढ़ी हैं, इसके अलावा करनाल में भी नहीं, तो यहाँ पर कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर आप रोहतक हाईवे से गुजरते हैं, रोहतक से पानीपत आते हैं या पानीपत से रोहतक जाते हैं, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज जरूर चुकाना पड़ेगा। जी यानी प्रदीप, कुछ टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाया गया है, कई टोल प्लाजा ऐसे हैं जहां पर रेट अभी नहीं बढ़ा है, जैसा कि आप जानकारी काफी अहम दे रहे हैं, और यही बात दर्शकों को हम बता रहे हैं। रोहतक रोड पर जो टोल प्लाजा लगा हुआ है पानीपत में, वहां का टोल बढ़ाया गया है, लेकिन जो नेशनल हाईवे का है जीटी रोड का, वहां पर टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो सिर्फ डहा टोल प्लाजा का अभी नोटिस जारी किया गया रात 12 बजे से, वहां पर जो है नई दरें लागू कर दी गई थी। लेकिन यहाँ की हम बात करें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो NH1 पर हम मौजूद है, यहाँ से आप सेफ गुजर सकते हैं। जितना पहले टोल देते थे उतने टोल में आपको यहाँ से गाड़ी गुजार सकते हैं। इसके अलावा जुलाई महीने तक दर बढ़ सकती है टोल की यहाँ पर भी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो वो चाहे मुरथल टोल प्लाजा हो या फिर पानीपत टोल प्लाजा हो या फिर आगे करनाल के अंदर टोल प्लाजा हो, यहाँ से आप सेफ गुजर सकते हैं, किसी प्रकार को आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ रोहतक हाईवे पर भी आप जिस भी टोल प्लाजा से गुजरेंगे वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज चुकाना पड़ेगा। अगर बड़े व्हीकल है तो आपको किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 18% बढ़ोतरी की गई है। यानी छोटे व्हीकल पर 10 के करीब आपका चार्ज लगेगा और बड़े व्हीकल पर 60 से 70 रुपए एक्स्ट्रा आपको चार्ज चुकाने पड़ेंगे। टोल प्लाजा है जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत करने की आपने कोशिश की है कि क्या यहाँ पर भी टोल रिवाइज हो सकता है, क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर भी टोल टैक्स बढ़ सकता है जो जीटी रोड पर ये टोल प्लाजा मौजूद है पानीपत में? देखिए, टोल कंपनी के अधिकारियों को हमने लाने की कोशिश की थी यहाँ पर कि बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से एक जवाब ये दिया गया था कि फिलहाल जो पानीपत टोल प्लाजा है यहाँ पर चार्ज नहीं बढ़ा दिए गए हैं, बढ़ाए नहीं गए हैं। तो हाई अथॉरिटी से बात करने की इन्होंने कहा कि आप हाई अथॉरिटी से बात कीजिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी है और इनको साफ मना किया गया है। जो भी कर्मचारी है, मैं दिखाना चाहूंगा, इनको साफ मना किया गया, किसी प्रकार की आप लोग बाइट नहीं दे सकते, किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट यहाँ नहीं कर सकते। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि यहाँ पर आप आसानी से गुजर सकते हैं, कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही जुलाई में यहाँ पर भी 1 ईयर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज चुकाने पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप रेड्डू, आपने जानकारी दी है और बताया है कि पानीपत के रोहतक डहार
रोड पर जो टोल प्लाजा है वहीं के रेट बढ़े हैं। 10 रुपए हल्के वाहनों के लिए रेट वहां पर बढ़ाए गए। पानीपत रोहतक टोल प्लाजा के रेट जरूर बढ़े हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे है, जो जीटी रोड आप कहते हैं, वहां पर टोल प्लाजा, उसके रेट नहीं बढ़े हैं। हल्के वाहनों के लिए 10 रुपए और बड़े वाहनों पर किलोमीटर के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। यानी कि पानीपत में जो डहार के नजदीक टोल प्लाजा है वहीं के रेट बढ़े हैं। बाकी जगह जो टोल प्लाजा पानीपत में, वहां के रेट फिलहाल तो नहीं बढ़े हैं। आने वाले वक्त में जो भी किसी भी तरीके से अपडेट होगी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मंडियों की।